हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर द प्रोसेस एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द करेक्ट चॉइस इज। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट चॉइस फाइंड आउट करनी है फॉर दिस रिएक्शन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हेयर विल बी इट इज एंट्रोपी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर है फ्रॉम लिक्विड स्टेट इट गोज टू वाटर इन गैशियस स्टेट, लेकिन जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है दोनों कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स जो ये प्रोसेस हुई है इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अगर ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है दैट मीन्स जो एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी है, दैट विल बी ज़ीरो। नाउ एज वी नो जो टोटल एंट्रोपी होती है इट इज़ द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। नाउ अगर टोटल एंट्रोपी ज़ीरो है दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। नाउ ये जो रिएक्शन है इसमें जो वाटर है इसका फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये फेज चेंजिंग रिएक्शन है एंड लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में गया है। दैट मींस जो रैंडमनेस है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो रही है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन ज़ीरो, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ये ऑपोजिट हो जाएगी। दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन ज़ीरो, बिकॉज ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग एंट्रोपी जो है टोटल एंट्रोपी इट इज़ ज़ीरो। तो करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। सिस्टम की एंट्रोपी तो मोर देन ज़ीरो है, दैट इज़ पॉजिटिव है, एंड सराउंडिंग की लेस देन ज़ीरो है, दैट मीन्स नेगेटिव है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।